पहले तो कभी नहीं हो रहा था, पहले तो ये कभी नहीं हो रहा था, आज से ये लागू हुआ है। अब जो सरकार जो करे, आज से लागू हुआ है ये। हाँ, वो पहले तो कभी लागू नहीं था भाई। अगर नॉन वेज आदमी नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे, ये बता दीजिए आप। जिएगा कैसे? हाँ, अरे एक दिन में कौन सी आफत आ जाएगी? अरे तो एक दिन नहीं खा लेगा ना तो रोज थोड़ी बंद कर देगा सर। हाँ तो वह द्वार तो शाकाहारी खाना खा रहे हैं। हाँ, यही जगह द्वार तो खा रहे हैं। तो नाराज तो नहीं हो महाराज? तोड़ी गए, हम नाराज काहे के लिए रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में आज से यानी कि 25 नवंबर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया चीज शुरू कर दिया है, यानी कि 25 नवंबर से मांस रहित दिवस के रूप में 25 नवंबर को घोषित कर दिया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि एक साधु थे जिनका नाम था TL वासवानी, वो उन्हीं की जयंती 25 नवंबर को होती है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 नवंबर से पूरे उत्तर प्रदेश को मांस रहित दिवस के रूप में आज से घोषित कर दिया है। सीधा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, होटल है और होटल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मकसूद आलम। मकसूद जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज यानी 25 नवंबर को हर साल मांस रहित दिवस मनाया जाएगा? आज तो हम पहले तो कभी नहीं हो रहा था, पहले तो ये कभी नहीं हो रहा था, आज से ये लागू हुआ है। अब जो सरकार जो करे, आज से लागू हुआ है ये। हाँ, वो पहले तो कभी लागू नहीं था, कहीं हर जगह कहीं नहीं लागू हुआ, आज से यहाँ बोला कि आज से चालू। एक साधु हैं TL वासवानी थे, जिनका जन्म हुआ था 1879 में, जिन्होंने मीरा आंदोलन चलाया था, उन्हीं की जयंती पर आज उनका जन्मदिन था, तो उन्हीं की जयंती पर योगी जी ने शुरू कर दिया है। इससे आपत्ति तो नहीं है कोई? नहीं, क्या आपत्ति रहेगा, जो सरकार जो बोलेगा वही तो करना पड़ेगा। उसका एक दिन मीट नहीं खाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हा? ऐसा कुछ नहीं है, मीट खाने से थोड़े क्या, नहीं खाएगा तो भी जिंदा रहेगा, खाएगा तो भी जिंदा रहेगा, कोई आपत्ति नहीं। योगी जी थोप तो नहीं रहे? नहीं नहीं, अब वो तो सरकार उनकी है, तो भाई जो भी चाहे वो कर सकते हो, जो कानून लगाए वो तो लगेगा ही। तो आप नाराज होगे, खुश हो? नाराज की क्या बात है, इसमें हमारा हम नाराज भी रहेंगे तो भी, नहीं रहेंगे तो भी, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ तो फर्क पड़ेगा, कुछ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नाराज होगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं तो सरकार को क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं नाराज रहूँ तब भी, नहीं नाराज रहूँ तो भी, खुश रहूँ तो भी, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आपका क्या नाम है भैया? शमसुलक। शमसुलक, शमसुलक क्या कहेंगे आज? ये थोड़ा खड़े हो जाइए, तो वो तो बुजुर्ग थे ना आप तो जवान है, क्या कहेंगे? योगी जी ने कहा कि आज मांस रहित दिवस 25 नवंबर। ठीक है, जो ठीक है जो कहेंगे वो सरकार को, हम लोग भी मानेंगे, सरकार को तो सब मान के चलेंगे। आज बट कहीं मीट तो नहीं बिक रहा आज? नहीं, नहीं। नाराज तो नहीं हो? नहीं, कोई नाराज नहीं। नहीं कि एक दिन मीट नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आएगी? कुछ नहीं होगा, दिक्कत का होगा, बीमार रहते तो 6 महीने आदमी परहेज ही रहते कि नहीं रहते, तो एक दिन ऐसे भी परहेज रह जाएंगे और क्या। योगी जी से नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं। कोई नाराजगी नहीं भैया। आपने कर लिया भोजन? इधर आइए, नीचे आइए थोड़ा सा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्शिद। मुर्शिद भाई, भोजन कर लिया? जी। क्या खाया? दाल चावल आलू की भुजिया। दाल चावल आलू की भुजिया, क्यों? मीट मांस आज नहीं मिल रहा इधर? नॉन वेज नहीं मिल रहा? नहीं, नॉन वेज नहीं मिल रही अभी, नहीं मिल रही है। आज बंद है? हाँ आज बंद है, योगी सरकार की पालन कर रहे हैं सबके लोग। लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मांस रहित दिवस एक दिन मनना चाहिए, पूरे प्रदेश में नॉनवेज बंद रहना चाहिए, इससे कोई आपत्ति कोई नहीं है? जब खाने वाले जब 10 दिन 15 दिन नवरात्रि में बर्दाश्त कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक दिन की बात है, तो कोई मेंटेन नहीं करता। वो भी यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कानून हो और हम फॉलो ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं है कि योगी जी थोप रहे हो सब कुछ? नहीं, ऐसी बात है, मुसलमानों को परेशान कर रहे हो? नहीं, सरकार मुस्लिमों के विपक्ष में आ गई हो? नहीं नहीं, तो सब सोच पे मैटर करता है, सोच पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं। आप फॉलो कर रहे हैं आज? हाँ हाँ, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। आपने दाल चावल खाए? हाँ, दाल चावल आलू की भुजिया खाई मैंने। आलू की भुजिया? हाँ हाँ। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि आज मांस रहित दिवस के रूप में मनाया जाएगा आज का दिन। आपका क्या नाम है सर? आलम। आलम भाई, भोजन करने आए हो? यस। तो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? अब जो मिले अभी तो पूछना है। पूछा नहीं अभी? नहीं अभी पूछा नहीं। अच्छा, यहाँ पर वैसे ज़्यादातर नॉनवेज मिल जाता था? हाँ, नॉनवेज में तो आज नहीं मिल रहा, लेकिन तो कोई बात नहीं, नॉनवेज खा लेंगे आज। नॉनवेज तो आज मिल ही रहा, बगैर नॉनवेज खा लेंगे। बगैर नॉनवेज खा लोगे?
क्या कहेंगे? योगी जी ने कहा कि आज मांस रहित दिवस होना चाहिए, यानी कि आज के दिन 25 नवंबर को आज से शुरुआत कर दी है कि मांस यानी कि नॉनवेज ना मिले, नॉनवेज ना शेल्टर होम में किया जाए ना ऐसे बेचा जाए। नहीं, अगर नॉनवेज आदमी नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे ये बता दीजिए आप। जिएगा कैसे? हाँ, अरे एक दिन में कौन सी आफत आ जाएगी? अरे तो एक दिन नहीं खा लेगा ना तो रोज थोड़ी बंद कर देगा सर। हाँ, रोज तो नहीं मना तो फिर रोज के लिए मना थोड़ी कह रहे। हाँ। एक दिन के लिए है तो कोई बात नहीं, एक दिन बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नहीं खाएगा आदमी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, हम काहे के लिए नाराज जी, हमारा तो केजरीवाल है जी, दिल्ली के हैं। दिल्ली के? हाँ। यूपी में कैसे आ गए? काम था थोड़ा नोएडा सेक्टर बंद। केजरीवाल से खुश हो? हाँ, केजरीवाल से हम लोग खुश हैं। और योगी जी कैसे हैं हमारे? अब ये कैसे बता सकते भाई, हम तो योगी जी के बारे में यहाँ तो रह नहीं रहे। अच्छा, खाना खाने यूपी में आ गए, बोले योगी जी के बारे में नहीं? से बोले ना। हाँ, बोलिए बोलिए। बात ये ना, अभी सेक्टर 15 में काम था तो भूख लग गया, बोला चलो लंच करके निकल जाएंगे और क्या। लेकिन यूपी में तो आदेश आ गया कि 25 नवंबर को हर साल मांस रहित दिवस रहेगा। वो तो आप क्या क्या नहीं लागू करेंगे आप क्या बताएं। नॉनवेज नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई साहब आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ भाई, आप भी खाना लेने आए थे? खाना लेने आया तो मैं वेज नॉन वेज ही खाते हैं सर। क्या कहेंगे, वेज खाते हैं, आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, वेज खाते हैं। लेकिन यूपी में आज से नॉनवेज दिवस नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए ना, साल में एक बार, साल में एक बार होना चाहिए वेज दिवस भी, मीट बंद होना चाहिए साल में एक बार भी। आप मानते हैं इससे कोई किसी तरीके की शारीरिक या फिर शरीर को कोई दिक्कत या फिर खाने पीने में नहीं हो सकती है उससे? तो कोई परेशानी नहीं होगी उस चीज़ से। खुश हैं? हाँ खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। तो योगी जी ने गलत फैसला दे दिया? नहीं नहीं, गलत फैसला नहीं है, सही है। अच्छा अच्छा, सरकार इस समय योगी जी चला रहे हैं? हाँ जी, चला रहे हैं, और कौन चला रहा है। तो ठीक है कि ऐसा तो नहीं है कि योगी जी को चुन के ही गलत कर दिया? नहीं नहीं नहीं, चुन के गलत नहीं किया, बहुत अच्छा किया। रोटी भी दे दो मेरी। चलिए, रोटी लेने आए हैं, बहुत लोगों कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगा कि जो आज से दिवस आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इंडियन रईस। इंडियन? हाँ। इंडियन रईस भाई, भोजन किए आप भी कर रहे हैं अभी? हम तो ये दाल भात चोखा खा रहे हैं। दाल भात चोखा? हाँ हाँ। जो मिल पा रहा है नॉनवेज? ये योगी सरकार का राज है, बाबा का राज है, इधर पूरा इंडिया में तो पहले बार वो पैदा हुआ था ने, तो इधर वो कह रहा वो बाबा पैदा हुआ, इधर नॉनवेज नहीं खाओ, गोश्त मछली, इधर वो शाकाहारी खाओ। दिल्ली में नहीं बाबा, इंडिया में नहीं हुआ था, दिल्ली में सब जगह मिलता है। हाँ, खाली उपयोग तो केजरीवाल जी है ना, यहाँ कौन सा है? योगी जी है। योगी जी है? हाँ, तो वो तो हमारे अच्छे आदमी है, उसी का आदमी तो मैं भी हूँ पार्टी योगी के। हाँ हाँ हाँ, तो योगी ने तो मास्क बंद कर दिया आज? हाँ, तो वह द्वार तो शाकाहारी खाना खा रहे हैं। हाँ, यही जगह द्वार तो खा रहे हैं। तो नाराज तो नहीं हो महाराज? नहीं नहीं, तोरी गए, हम नाराज काहे के लिए रहेंगे योगी बाबा से? नहीं, उससे हम खुश हैं, बहुत खुश हैं योगी जी से। हाँ, वो तो आज एक दिन के लिए बंद करवा दिए नॉनवेज, तो अच्छी बात हुआ। है? हाँ, अच्छी बात है, बंद करवा दिया तो। ऐसा तो नहीं है कि दाल चावल नहीं खाए जा रहे हो? हाँ, वो एक प्लेट खा रहे थे, दो प्लेट खा रहे हैं। हाँ, दो प्लेट? हाँ, दो प्लेट, सब दिन एक ही प्लेट खा रहे थे। अच्छा। आज डबल खाना खा रहे हैं। आज डबल खा रहे? हाँ। तो यानी सेहत अच्छी बनेगी कि सेहत बेकार हो जाएगी? सेहत तो बड़ी रहा, देख रहे हैं। ये कोई दाल चावल थे थोड़ी बना, दाल चावल तो आज मिल रहा है, वो तो नॉनवेज ये शाकाहारी से बनेगा ना, शाकाहारी से बनेगा। हाँ हाँ। चलिए भाई साहब, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार भाई। मनोज जी, क्या कहेंगे, आज शाकाहारी दिवस घोषित कर दिया है सरकार ने, कहा कि आज के दिन 25 नवंबर को नॉनवेज नहीं मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब ये भाई कहते रहे ना, और दिन तो हम वेज खाते थे, आज नॉनवेज वो और दिन तो नॉनवेज खाते, आज वेज खा रहे हैं, तो अच्छी बात कह रहा है, डबल पेट भरेगा। तो भाई इस चीज़ को रोज़ खा खाया करो, जब मन करेगा जब खा लिया करो, हफ्ते में एक आध दिन। हाँ, तो अच्छी बात है ना, और ये एक दिन तो होना चाहिए, अच्छी बात। एक दिन क्या, हम तो कहें महीना। फैसले पर बहुत बढ़िया सहमत है, हम सहमत हैं। क्या कहेंगे, योगी जी ने फैसला दिया कि एक दिन दिवस मने शाकाहारी दिवस ना, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात। कम से कम महीने में 7 दिन का होना चाहिए, 7 दिन कम से कम। ऐसा तो नहीं है कि फिर सेहत खराब हो जाएगी? क्यों हो जाएगी सेहत खराब, आएंगे नहीं तो? नहीं, ऐसा कैसा हो जाएगा, हरी सब्जियों में ज्यादा प्रोटीन है, इससे ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका बड़े भाई? आरिफ। आरिफ भाई, क्या कहेंगे, आज शाकाहारी दिवस, आज वह नॉनवेज नहीं मिलेगा यूपी में? बढ़िया, ना मिलेगा ना बेचा जाएगा। कोई बात नहीं, बढ़िया, ठीक है, एक दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है कि नाराजगी हो गई हो? ना ना ना, कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं, बढ़िया है, कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी योगी जी से? योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी किस बात की?
धोनी की जो सरकार है उन्होंने तो कहा कि आज वेज मिले नॉन वेज ना मिले कहीं पर भी दुकानें बंद रहे। नहीं तो ठीक है, नॉन वेज चाहिए एक दिन के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, सेहत पे फर्क ना पड़ जाए। एक दिन में तो कितने लोग भूखे रह रहे हैं, तो उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है। कितने लोग भूखे और कोई लाखों की चाय पी ले रहा है, और गरीब तो 5 रुपए का पूरी सब्जी खा करके अपना टाइम बसर कर रहा है। तो है, ये मर्जी अल्लाह की है, कौन खिलाता कौन है। तो आज आरिफ भाई को कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो नहीं है कि एक दिन के लिए वे नॉन वेज बंद कर दिया और सरकार ने ये गलत फैसला सरकार ने ले लिया? परेशान नहीं ना, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, नहीं। तो देखिए, मैं एक होटल पे हूँ और तमाम लोग यहाँ पर भोजन करने के लिए आए थे, लेकिन एक दिन के लिए 25 नवंबर को आज से, यानी कि 25 नवंबर 2023 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है कि आज की तारीख को मांस रहित यानी शाकाहारी दिवस घोषित किया जाए। और आज से हर साल अब 25 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में आपको नॉनवेज खाने को, नॉनवेज देखने को, नॉनवेज बेचने को नहीं मिलेगा। तो इसी पर जनता की क्या राय है, वो राय मैंने आपको सुनवाई। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।